शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से और करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पेंटल टैबलेट, जो कि 40 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो है पेंटोप्राजोल, और इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो है सेल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। तो व्यूअर्स, ये था पेंटल टैबलेट का इंट्रोडक्शन, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेंटल टैबलेट के यूजेस के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँचाई जा सकें। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं पेंटल टैबलेट के यूज़ के बारे में, कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हैं जिनमें आप पेंटल टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, पेंटल टैबलेट को आप स्टमक अल्सर में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी शख्स के मैदे में ज़ख़म है तो ज़ख़म को ख़त्म करने के लिए भी आप पेंटल टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह पेंटल टैबलेट को आप ड्यूटिनल अल्सर में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो छोटी आंत है और उसके पहले हिस्से में अल्सर है या ज़ख़म है, तो उस कंडीशन में भी आप पेंटल टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा पेंटल टैबलेट को आप ईसोफेग्स में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी खुराक वाली नाली में ज़ख़म है और आपकी खुराक आपके मैदे में सही तरीके से हज़म नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में भी आप पेंटल टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपके पेट में मरोड़ रहते हैं या आपके पेट में दर्द रहते हैं, तो इन तमाम कंडीशन में भी आप पेंटल टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अगर आपके पेट में गैस रहती है या आपके मैदे में दर्द रहता है, तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए भी आप पेंटल टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। और व्यूअर्स, पेंटल टैबलेट को आप गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो खुराक आप यूज़ करते हैं और वो खुराक आपके स्टमक से ऊपर की तरफ आती है, मतलब कि आपके मुँह की तरफ आती है, तो उस कंडीशन में भी आप पेंटल टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे पेंटल टैबलेट के यूजेस, और अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, कि अगर आप पेंटल टैबलेट को यूज़ करते हैं तो इसके यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। व्यूअर्स, पेंटल टैबलेट को गलत इस्तेमाल करने से या इसके ओवर डोज लेने से आपके मैदे में ज़ख़म हो सकते हैं, आपको उल्टी, चक्कर या मतली महसूस हो सकती है, और आपके जिस्म में सुस्ती पैदा हो सकती है, और इसके गलत इस्तेमाल करने से आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, यानी कि आपकी नींद का मसला हो सकता है। तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि पेंटल टैबलेट को आप डॉक्टर के मुफीद मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वो मालूमात जो हमने आप तक पहुँचाई। तो अगर आपको हमारी दी हुई मालूमात अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।